सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों, वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों, वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का डांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों, पहले जो रश्मिका मंदाना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निक्की वरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है। बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहां पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की उस बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने। और दोस्तों, इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में कि मूवी के मेन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मेन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाले हैं सामंत अनिरुद्ध प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है, वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेज, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं, एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है
और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। यहाँ पर एक फाइट सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो, तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है। जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला, और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गांव के अंदर दो गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काटकर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदाना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है उसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको Amazon Prime पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास Amazon Prime नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है, तो आपको ये मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से कुछ वाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का डांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदाना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निकेवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहां पर देख सकते हैं।
तो प्लीज़ दोस्तों, हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने, और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मैन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, और एक आइटम सॉन्ग में आपको नज़र आने वाली है सामता रुद्र प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है। वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेश, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं। एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था, और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। यहाँ पर एक फायर सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो। तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है। जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला, और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था, क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गाँव के अंदर 2 गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काटकर खुद शहर बेचाता था। तो अब उसके पास पैसा है, तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा।
फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है उसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेज़न प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है, तो आपको ये मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का डांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदाना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निकेवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में कि मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है।
तो इस मूवी के मेन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाली है सामंता रुद्र प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है। वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेज, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ दो ही तीन मैन कास्ट होते हैं, एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। यहाँ पर एक फायर सीन चलती है तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो, तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है, जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है तो गांव के अंदर दो गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काटकर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है उसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेज़न प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है तो आपको ये मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहां पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं है
और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का डांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदाना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निकेवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है। बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की उस बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने, और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मैन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, और एक आइटम सॉन्ग में आपको नज़र आने वाले हैं सामंत अनिरुद्ध प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है, वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेश, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं, एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। यहाँ पर एक फायर सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो, तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है, जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा
अपनी माँ के साथ रह रहा था क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गांव के अंदर दो गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को ये सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काट कर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है इसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेज़न प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है तो आपको ये मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का धांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निकेवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की उस बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने, और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था
लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मैन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाले हैं सामंत अनिरुद्ध प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है। वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेज, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं। एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था, और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। यहाँ पर एक फायर सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो। तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है, जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला, और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था, क्योंकि उसके पापा नहीं था इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गांव के अंदर 2 गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को एक सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काट कर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है, तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है, इसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, तो यह मूवी दोस्तों आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेज़न प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यह मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है, तो आपको यह मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है।
सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का धांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदाना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निकेवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहां पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की उस बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में कि मूवी के मेन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मेन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाले हैं सामंत अनिरुद्ध प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है, वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेज, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं, एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है
और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। यहाँ पर एक फाइट सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो, तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है, जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला, और फिर लाख बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गांव के अंदर दो गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को एक सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काटकर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है, इसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेज़न प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है, तो आपको ये मूवी 100 का पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का धांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है, और वहीं पर रश्मिका मंदना उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निकेवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहां पर देख सकते हैं।
तो प्लीज़ दोस्तों, हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते ही है। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने, और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मैन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाले हैं सामंत अनिरुद्ध प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है। वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेज, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं। एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था, और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। तो यहाँ पर एक फाइट सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो। तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है, जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला, और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था, क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गांव के अंदर 2 गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को एक सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काटकर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है, तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा।
फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है इसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेज़न प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है, तो आपको ये मूवी 100% पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का धांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदाना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निकेवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहां पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवीज हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में कि मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है।
तो इस मूवी के मेन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाले हैं सामंत अनिरुद्ध प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है। वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेज, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ दो ही तीन मैन कास्ट होते हैं, एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। यहाँ पर एक फाइट सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो, तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है, जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गांव के अंदर दो गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को ये सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काट कर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमेक्स आता है, क्लाइमेक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है, इसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेज़न प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है, तो आपको ये मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहां पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं
और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का धांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदाना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निकेवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है। बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने, और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में कि मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मैन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाले हैं सामंत अनिरुद्ध प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है, वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेश, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं, एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। तो यहाँ पर एक फाइट सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो, तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है, जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वाले के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा।
तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गांव के अंदर दो गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को ये सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काट कर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे क्योंकि क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है इसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेजन प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है तो आपको ये मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का डांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निक्की वरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहां पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की उस बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था
लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मैन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाले हैं सामंता रुद्र प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है। वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेज, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं। एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था, और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। तो यहाँ पर एक फाइट सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो, तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है, जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला, और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था, क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गांव के अंदर 2 गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काटकर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है, तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है, इसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, तो यह मूवी दोस्तों आपको Amazon Prime पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास Amazon Prime नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यह मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है, तो आपको यह मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है।
सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का डांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदाना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निक्केवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहां पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगासलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने जितने भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में कि मूवी के मेन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मेन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाले हैं सामंता रुद्र प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है, वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेज, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं, एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है
और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। यहाँ पर एक फाइट सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो, तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है। जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला, और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गांव के अंदर दो गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काटकर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमेक्स आता है, क्लाइमेक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है इसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको Amazon Prime पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास Amazon Prime नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है, तो आपको ये मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का धांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निक्केवरु, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहां पर देख सकते हैं।
तो प्लीज़ दोस्तों, हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने, और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि मूवी के मेन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मेन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, और एक आइटम सॉन्ग में आपको नज़र आने वाले हैं सामंत अनिरुद्ध प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है। वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेश, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं। एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था, और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। यहाँ पर एक फाइट सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो, तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है, जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला, और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वाले के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था, क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गाँव के अंदर 2 गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काटकर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है, तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा।
फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है उसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेज़न प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है, तो आपको ये मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से कुछ वाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का डांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदाना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निकेवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में कि मूवी के मेन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है।
तो इस मूवी के मेन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाली है सामाथा रुद्र प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है। वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेश, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ दो ही तीन मैन कास्ट होते हैं। एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। यहाँ पर एक फायर सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो। तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है। जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था, क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गांव के अंदर दो गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को ये सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काट कर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमेक्स आता है, क्लाइमेक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है, इसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेज़न प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है, तो आपको ये मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से कुछ वही लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं है
और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का डांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदाना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निकेवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है। बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने, और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मैन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाले हैं सामंता रुद्र प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है, वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेश, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं, एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। तो यहाँ पर एक फायर सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो, तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है, जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे 0 से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा।
तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गांव के अंदर दो गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को ये सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काट कर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे क्योंकि क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है उसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेजन प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का बीजीएम काफ़ी तगड़ा है तो आपको ये मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आप में से कुछ वाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं है और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का डांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निक्केवरु, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहां पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की उस बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते ही है। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था
लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मैन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाले हैं सामंता रुद्र प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है, वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेश, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं, एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था, और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। यहाँ पर एक फायर सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो, तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है, जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला, और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था, क्योंकि उसके पापा नहीं था इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गाँव के अंदर 2 गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को ये सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काट कर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदाना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है, इसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी दोस्तों आपको Amazon Prime पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास Amazon Prime नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है, तो आपको यह मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है।
सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का धांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदाना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निकेवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहां पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की उस बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में कि मूवी के मेन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मेन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और एक आइटम सॉन्ग में आपको नज़र आने वाले हैं सामंत अनिरुद्ध प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है, वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेश, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं, एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है
और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। यहाँ पर एक फायर सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो, तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है। जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला, और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था क्योंकि उसके पापा नहीं था इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गांव के अंदर दो गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को एक सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काटकर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है इसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेज़न प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है, तो आपको ये मूवी शॉर्ट का पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का धांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निक्केवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहां पर देख सकते हैं। तो
तो प्लीज़ दोस्तों, हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते ही है। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने, और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में, कि मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है। तो इस मूवी के मैन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाले हैं सामंत अनिरुद्ध प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है। वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेज, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 मैन कास्ट होते हैं। एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था, और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो, और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। तो यहाँ पर एक फाइट सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो। तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है, जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला, और फिर 1,00,000 बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते, तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था, क्योंकि उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है, तो गांव के अंदर 2 गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को एक सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काटकर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है, तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होंगे, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा।
फिर मूवी का क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है इसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेज़न प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है, तो आपको ये मूवी 100 का पसंद ज़रूर आने वाली है। सो हेलो दोस्तों, तो आज हम साउथ की एक और धमाकेदार मूवी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आज की इस वाली वीडियो में केवल आपको मैं इतना नहीं बताने वाला हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है, बल्कि साथ में दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी के बारे में आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी साउथ की एक धमाकेदार मूवी को हिंदी भाषा में देख सके। दोस्तों वीडियो में हमने सब कुछ बता के रखा है कि आपको मूवी कहाँ पर मिलने वाली है, मूवी की कहानी क्या है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते नहीं हैं और बिना देखे ही नीचे जाकर कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं है, मूवी कहाँ पर है, ये बताओ वो बताओ। पर दोस्तों वीडियो के अंदर हमने सब कुछ बता के रखा है, तो प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का धांसू परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और उनकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेने वाली है। और वहीं पर रश्मिका मंदाना, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी है इस मूवी में। दोस्तों पहले जो रश्मिका मंदाना की मूवी आई थी वो थी श्री नेहरू निकेवरू, तो उनके जो एक्टिंग थी ना उस मूवी के अंदर वो काफ़ी बेकार थी, ऐसा लग रहा था कि ओवर एक्टिंग है, बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है और आपको पसंद ज़रूर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस मूवी की कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलने वाली है और आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की उस बेसिक जानकारी के बारे में। तो मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, जो कि आप सभी लोग जानते ही है। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और यह एक पैन इंडिया मूवी थी, इसलिए इस मूवी को एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। मूवी के अंदर आपको धमाकेदार एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम था वो तकरीबन 3 घंटे का था, पर मूवी इतनी कमाल की है ना दोस्तों कि यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 7.6 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक किया था। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था सुकुमार ने। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था आ फिल्म ने और दोस्तों इस मूवी को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं उनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अल्लू अर्जुन के साथ काम किया था आर्या 2 मूवी में, जो काफ़ी गजब की रही थी। और इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रंगस्थलम, तो वो भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना, उनमें से ऑलमोस्ट मूवी जिस हिट और ब्लॉकबस्टर रही है। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 150 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 400 करोड़ का कारोबार किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इस मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग वायरल हुए थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत जगह पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस मूवी के कास्ट के बारे में कि मूवी के मैन कास्ट में आपको कौन कौन देखने को मिलता है।
तो इस मूवी के मेन कास्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और एक आइटम सॉन्ग में आपको नजर आने वाले हैं सामंत अनिरुद्ध प्रभु, जो काफ़ी अच्छी बात है। वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा है तो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फहद फासिल, अनुष्या, सुनील, प्रकाश राज, शत्रु और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि धनंजय, अजय घोष, राज, चित्रेज, वेलोना किशोर, राव रमेश, हरीश, अजय, धनंजय रेड्डी। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कास्ट देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ दो ही तीन मैन कास्ट होते हैं, एक तो है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना और इस मूवी के मैन विलन। तो मूवी की दोस्तों काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी की कहानी एक जंगल से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक लड़का जंगल में से कुछ लकड़ियाँ कहीं लेके जा रहा था और वही होता है पुष्पा, यानी कि इस मूवी का मैन हीरो अल्लू अर्जुन। रास्ते में पुलिस उनको रोकती है और पूछती है कि लकड़ियाँ कहाँ पर ले जा रहे हो और उनको अरेस्ट करने की धमकी देती है। तो यहाँ पर एक फाइट सीन चलती है, तो पुष्पा उन पुलिस वालों को पैसा देने की बात करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे जाने दो। तो पुलिस वाला मना कर देता है। अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है तो जो पुष्पा है वो अपना दाम भी बढ़ाता है, जैसे कि पहले वो 10,000 बोला, फिर 20 बोला, फिर 50 बोला और फिर लाख बोल दिया। फिर पुलिस वालों के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, अगर वो उसको पकड़ भी लेते, जेल में डाल देते तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए वो लोग मान जाते हैं उस डील के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तेरे साथ मिल जाएंगे, बट तू ये बता कि तुझे कैसे लगा कि हम तेरे साथ मिल जाएंगे। तो पुष्पा बोलता है कि आज दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पुलिस वाले काफ़ी कुछ होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिला था, तो वो लोग पैसा ले लेते हैं और पुष्पा को जाने देते हैं। फिर मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि पुष्पा कैसे जीरो से हीरो बना, वही आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो पहले पुष्पा अपनी माँ के साथ रह रहा था क्योंकि उसके पापा नहीं था इस दुनिया में, तो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। वो काम के लिए निकल पड़ता है तो गांव के अंदर दो गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी एक ऐसी जगह पर जा रही थी कि उस गाड़ी में कोई भी बैठता तो शाम को सही सलामत वापस आ जाता घर पर, और एक ऐसी गाड़ी थी कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी बैठता तो शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो पुष्पा उस गाड़ी के अंदर जाता था जहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा मिले और शाम को आने की कोई भी गारंटी नहीं थी। तो वो गाड़ी जंगल के अंदर जाती थी, वहाँ पर से चंदन की लकड़ियाँ लोग काटते थे और बेचते थे। अब पुष्पा को एक सारा प्लान समझ आ गया था कि पैसे कमाना है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पुष्पा अब इस हद तक आगे बढ़ गया था कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देता है और लकड़ियाँ काटकर खुद शहर बेच आता था। तो अब उसके पास पैसा है तो उसके अंडर बहुत सारे पुलिस वाले आगे हो गए क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा था। फिर बाद में यहाँ पर रश्मिका मंदना और पुष्पा, इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाएंगी कि कैसे मिले थे, कैसे इन दोनों को प्यार हुआ, वो सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। फिर मूवी का क्लाइमेक्स आता है, क्लाइमेक्स में एक और कास्ट की एंट्री होती है इस मूवी के मैन विलन फहद फासिल, तो वो भी काफ़ी तगड़े विलन होते हैं। तो पहले ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों वापस लड़ने लगते हैं, वही आपको दिखाया जाएगा। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट आने वाला है इसके अंदर ही आपको इन दोनों की फाइट देखने को मिलने वाली है। मूवी काफ़ी कमाल की थी तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दोस्तों आपको अमेज़न प्राइम पर मिल जाएंगी, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के पास अमेज़न प्राइम नहीं होगा। तो अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आप सभी लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देखो। मूवी का BGM काफ़ी तगड़ा है तो आपको ये मूवी 100% पसंद ज़रूर आने वाली है।